हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द हाउ टू मेजर एंगल। ओके, मैंने आपको लिखवाया भी था कि देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एंगल्स। आज मैं आपको केवल थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स सिखा रही हूँ। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, फिर है राइट एंगल, फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, दिस इज प्रोटेक्टर। वी यूज प्रोटेक्टर फॉर मेजरिंग एंगल्स। देखिए आपको कैसे एंगल ड्रॉ करना है। ये जो है इसका सेंटर है और ये इसकी लाइन है ज़ीरो से लेके 180 तक। ज़ीरो से लेके 180 तक, 180 डिग्री, इसको डिग्री बोलेंगे, डिग्री तक एंगल्स होते हैं। और एक एंगल से दूसरे एंगल में 10 का डिफरेंस होता है। ये 0, 10, 20, 30। ओके, और ये जो बीच में ये आपके देखिए छोटी छोटी 10 लाइंस बनी हैं, और अगर 5 है तो ये बीच में बड़ी लाइन है। ओके, अब आपको जब एंगल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लाइन की ड्रॉ करनी है सीधी। आप सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करिए ए और बी। फिर आपको प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इस लाइन के कॉर्नर में रखना है। ओके, देखिए इतने देखिए आपने यहाँ रखा बिल्कुल सेंटर पॉइंट। इसके बाद उस लाइन को, और जो आपकी ये सीधी लाइन आ रही है और जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर रख दीजिए। अब आपको क्योंकि ज़ीरो यहाँ से आप बना रहे हो तो आपको ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अंदर वाला, तो जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है वहाँ से आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सॉरी 75 डिग्री का, पहले मैं आपको सिखा रही हूँ। 75 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो देखिए 70 तो आपका ये रहा, और 5 इसमें बीच में जो बड़ी लाइन आफ्टर 70-75 आता है, तो 70 तो आपका ये है और 5 उसके बाद ये है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ओके, अब आप इन दोनों को, यहाँ के सेंटर को और इसको क्या करेंगे, इसको आप एक लाइन ड्रॉ करके बना दीजिए। ओके, अब आप इसको नेम दे दीजिए एंगल, ये ए बी और ये सी। ये आपका जो 90 डिग्री से कम है ये एक्यूट एंगल है। आप यहाँ लिख भी सकते हो एक्यूट एंगल। और नीचे आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। आपने कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है वो नीचे आपको एंगल का साइन मैंने आपको बताया भी था। दिस वन इज द साइन ऑफ एंगल। एंगल ए बी सी आपने ड्रॉ किया, आपने नेमिंग जो दी है वही नेमिंग आप यहाँ नीचे लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट हमने एक राइट एंगल का लिया है। राइट एंगल आपको बताया था मैंने कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का ही जो होता है वो राइट एंगल होता है। ओके, अब आपने वही वाला प्रोसीजर है, आपने लाइन ड्रॉ करी, फिर इसके सेंटर को और इस लाइन को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही रख, अगर आप बिल्कुल सही रखेंगे तो आपका एंगल कभी भी गलत नहीं बनेगा। और आपको ज्योमेट्री के लिए पेंसिल जो है बिल्कुल पॉइंटेड और अच्छी से रखनी है, और सिंगल लाइन खींचनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, आपने लाइन ड्रॉ किया, उसको नाम दिया ए और बी, इसके प्रोटेक्टर के सेंटर को, और अपने इस लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट सही पोजीशन पे रख लिया। और इसको अच्छे से करके आपका 90 डिग्री आपको अंदर वाला लेना है, क्योंकि 0 से 90 का आप इधर से ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से लेकर 90 डिग्री पे आप पॉइंट लगा दीजिए। और फिर इन दोनों लाइनों को ड्रॉ कर दीजिए और ऊपर इसका नाम दे दीजिए सी। आपने लाइन ड्रॉ की थी उसको नाम दिया था ए और बी, ऊपर वाली लाइन को आप दे दीजिए सी। अब ये सी जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है ये राइट एंगल है। और अब आपको नीचे लिखना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अब हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल का लिया है जो कि 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। इसमें भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन ए बी, देन पुट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एंड
बिल्कुल सीधा आराम से आपकी ये लाइन जो है और ये लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आनी चाहिए। इसके बाद आपने 120 डिग्री का एंगल बनाया है, आप 120 पे मार्क करिए। ये ध्यान रखिए आप यहाँ से एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो ज़ीरो अंदर वाली साइड में है, तो आपको इनर वाला लेना है। 120 यहाँ पर आ रहा है, आप 120 पे मार्क करिए और फिर इसको दोनों लाइन को इस लाइन के सेंटर को और इसको मिला दीजिए और ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर ऑब्टूस एंगल और आपने नेमिंग करी है एबीसी, तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, इसी तरह से आप एंगल ड्रॉ करेंगे, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। ओके, थैंक यू।